गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है पूर्णिमा, मतलब देव दीपावली और पूर्णिमा। आज का वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, वीडियो बने रही है, पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मैंने नहा धोकर पूजा पाठ सब कर लिया है मंदिर में। अभी माता जी पूरी छान रही हैं, उसके बाद हम लोग तैयार होकर मंदिर जाएंगे, क्योंकि आज पूर्णिमा का कथा कहाना है, तो उसीलिए वहीं जाना है। तो वीडियो बने रहिएगा। और यहाँ पे देखिए, मेरी सासू माँ ने पूड़ी हलवा चूरन बना दिया है। आज मेरी माता जी खुश हैं, शायद इतना काम कर दे रही हैं। और यहाँ मैं बैठ करके पैरों में कलर कर रही हूँ, आलता लगा रही हूँ, क्योंकि मंदिर जाने से पहले हमारे यहाँ आलता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे देखिए, माता जी ने 5 पंडितों का सिद्धा तैयार कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि वो कार्तिक नहारी थी ना, तो 5 पंडितों को सिद्धा देना है, तो इसलिए तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर एक करेली भी छौंक दिया है मैंने, और मैं छौंक दे रही हूँ, मैं बाद में देख लेंगी, क्योंकि लेट हो जाएगा। तैयार हो चुकी हूँ, सुबह का ही मेकअप था, दोबारा मेकअप नहीं किया है, ये साड़ी पहन के तैयार हो चुकी हूँ। चल रहे हैं मंदिर, मंदिर कथा कहानी के लिए। तो अभी चलिए पूर्णिमा का कथा कहानी। तो यहाँ पे दोस्तों, हम मंदिर में आ चुके हैं। यहाँ पे बाकी लोगों का कथा हो रहा है, और उसके बाद हम लोगों का अपना नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखिए, बाकी लोग कर रहे हैं, क्योंकि पूर्णवासी है ना, तो पूर्णवासी के सभी लोग कथा का आता है, मतलब पूरा ही मंदिर में भीड़ है। तो अभी लोगों के बाद हमारा नंबर आएगा, तभी हम लोग भी कथा कहेंगे। और ये हमारी साथ हमारी देवरानी आई हुई थी बगल में, जो चाची की बहू हैं, वो है हमारी देवरानी। तो हम दोनों साथ में आए हैं कथा कहानी के लिए। बने रहिए के मंदिर के लिए। और आज पूर्णिमा के दिन बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे कथा कहाने के लिए, तो सभी लोग दूर दूर से आए हुए हैं, कथा कहा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग कथा कहा रहे हैं, और यहाँ पे मैं गौरव जी को सिंदूर टीक रही हूँ, तो पंडित जी बोल रहे हैं छुआ के करो, लेकिन जगह इतना दिक्कत हो रहा ना, बड़ी मुश्किल से उतना भी कर पा रही हूँ, काफी भीड़ है यहाँ पे, पैर भी रखने की जगह नहीं हो रहा है। यहाँ पे कथा हो रहा है, तो पंडित जी जो भी मतलब शंकर जी को चढ़ाया जा रहा है, वो पंडित जी उठा ले रहे हैं अपना। और यहाँ पे ये मतलब नंद गोपाल जो होते हैं कृष्ण जी बाल रूप में, उनको नहलाया जा रहा है। मैं दूध डाल रही हूँ, मेरे हस्बैंड उनको धुल रहे हैं, क्योंकि नहलाया जाता है इस तरीके से पंचामृत से, तो वही वो कर रहे हैं। और फिर मैं जल से उनको नहला रही हूँ, उसके बाद वो रक्षा से पोछ कर ना, कपड़े पर रख कर उनको बैठा। और कथा होने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हवन हो रहा है, शंख वंख बज रहा है चारों तरफ। तो यहाँ पे हम लोग हवन करा रहे हैं, कथा कहने के बाद हवन कराया जाता है। तो हम सभी लोग, जितने लोग एक साथ बैठे थे, सभी लोग यहाँ पे हवन करा रहे हैं दशांग से और घी से।
और यहाँ हवन हो रहा है, यहाँ खुद से वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल होता है, कोई रहता तो सही रहता। और देखिए कितना काफ़ी भीड़ है, कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इतना मतलब हर जगह इतनी ज़्यादा पूजा पाठ होती है पूर्णमासी के लिए, ने क्या बताएं। तो यहाँ से हो गया, तो यहाँ पे हम हनुमान जी के मंदिर, यहाँ पे दुर्गा जी का मंदिर है, यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं। तो प्रसाद यहाँ पे भी चढ़ाने आते हैं दुर्गा जी के मंदिर में, देवरानी भी साथ में है। और उसके बाद हम यहाँ से घर निकलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि लेट हो रहा है ना, घर पे चलकर खाना भी बनाना है। दोस्तों पूजा पाठ हो चुकी है, अभी हम लोग घर चल रहे हैं। यहाँ का कथा वथा सब कुछ हो चुका है। ये हमारे गांव का मंदिर था और ये हमारे भैरव बाबा का मंदिर है। इधर देखिए हस्बैंड खड़े हैं और देवरान मेरी है, वो भी है। सब चलते हैं घर दोस्तों पूजा पाठ करके हम लोग घर पर आ चुके हैं। अभी जब मैं कपड़े चेंज कर रहे हैं और चावल मैंने गैस पर रख दिया, हो रहा है अभी रोटी बनाना है। बाकी दाल और सब्जी में बन रख के गई थी तो अम्मा मतलब उतार दी थी बना करके। अभी चलो कपड़े वपड़े चेंज करके किचन में चावल बन रहा है, हो रहा है घर आकर शाम के मिल रही रोटी बनाने के लिए, और चाय ये बना के पी रही हूँ मैं, पी लेती हूँ उसके बाद रोटी बनाऊँगी। फटाफट सारा काम करना है ना, क्योंकि सबको भूख भी लगी है, सबको खाना भी देना है और टाइम भी नहीं ना, फटाफट से चाय। और चावल मैंने एक साइड रख दिया, इधर फटाफट रोटी बना लेती हूँ क्योंकि खाने के लिए सभी लोग तैयार है, क्योंकि नाश्ता बना नहीं था कुछ। मैं बोली थी मैगी बना दूँ, सब लोग खा लेगा, लेकिन कोई नहीं माना। तो मेरे को जल्दी जाना था मंदिर, इसलिए मैं कुछ बनाई थी, वही दाल और सब्जी बना गई थी, आके रोटी और चावल बनाई हूँ। और यहाँ पर हस्बैंड को दे दिया खाना खाने के लिए। यहाँ मैं गैस को क्लीन कर रही हूँ क्योंकि खाना बन चुका है, तो गैस मेरा क्लीन हो जाएगा मतलब किचन, तो इसी को बस क्लीन कर रही हूँ मैं। और उसके बाद तो दोस्तों यहाँ पे शाम की पूजा हो चुकी है मेरी, पूजा हो चुकी है दोस्तों। कपड़े मैंने एक्सचेंज नहीं किया, जैसे मन नहीं किया सो गई थी, काम वाम घर का सबको खिलाने पिलाने के बाद मैं सो गई थी, फिर उठी हूँ तो बस। और देव दिवाली है ना, इसलिए सभी घरों में थोड़ा सा दीपक जलेगा। तो यह मेरा बेटा ना कुछ दीपकों में तेल डालकर जला रहा है और इन्हें बर्जा पे लगा देगा, क्योंकि देव दिवाली है तो हमारे घर में भी दीपक जलना चाहिए ना, क्योंकि मंदिर तो पूरा सजा धजा है। अब देखो कोई वीडियो बनाता है तो ठीक है, आप लोगों को शेयर करती हूँ, नहीं बनाता है तो क्या बोल सकती हूँ। वैसे बोलूँगी बनाने के लिए, किसी को भेजूँगी। और ये ना दीपक सब बर्जा पे यहाँ पे लगा दिया गया है, अच्छा लगता है दीपक जलता है तो ये देव दीपावली है। दीपावली एक होता है, एक देव दीपावली होता है, तो इसीलिए यहाँ पर दीपक लगा दिया गया है। और यहाँ पे सब्जी आ गई है, गोभी बैंगन लहसुन प्याज सब कुछ एक साथ आ गया है, इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैंने खीर रखा है, पतीले में बन रहा है, और इधर मैंने आलू उबाल रही हूँ क्योंकि आलू पराठा बनाना है, और ये शरद पूर्णिमा है ना उसके लिए खीर बन रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों ये आलू उबाल रखा था ना मैंने, इसमें लहसुन और मिर्च पीस करके डाल दिया, ये थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डाल दूँगी। तो इसका चोखा बना रही हूँ, सिंपल सा चोखा बनता है मेरे आलू के पराठे में, तो मैं ये आलू पराठा बनाने के लिए सब तैयार कर लिया है, इधर बना लिया है मैंने। और ये बन गया है दोस्तों खीर, इसमें काजू बादाम और केसर मैंने डाल दिया है, ये खीर बन रहा है। और ये केसर दो ये सरकी है दोस्तों, ये उबाल दिया गया है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, कमर दर्द के लिए रामबाण उपाय है, इसे खाने से कमर में दर्द नहीं होती है, तो इन्हें मैंने उबाल लिया है। आज देव दिवाली है तो लोग पटाखा फोड़ रहे हैं। आज ना दोस्तों हमारे एक गांव में जो मंदिर है ना वहाँ पे देव दिवाली मनाया जा रहा है, तो वहाँ पे ना बहुत सारे दिए चले, बहुत सुंदर दीपावली की तरह मतलब सजाया गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। मैं उनको अपने हस्बैंड को बोली थी यहाँ से वीडियो बनाने के लिए, तो वो गए हैं बना के लेके आएंगे, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत सुंदर वीडियो बनाए हैं। ठीक है आप लोग तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सब लोग वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे मंदिर को खूब अच्छे से दीपकों से सजा दिया गया है। आधा वीडियो मेरा डिलीट हो गया तो आधा ये दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू का पराठा, आलू पराठा बनाने में समय लगेगा ना, इसलिए बनाना स्टार्ट कर दिया है। और ये बारात जा रही है दोस्तों, यहाँ पे किसी की शादी है तो बारात जा रही है, बारात देखिए इतना खूबसूरत चल रहा है। यहाँ का आवाज़ मैंने म्यूट कर दिया था कॉपीराइट की वजह से,
तो गाइस ये देखिए, ये खीर है, ये पूरी है, ये है बरी की चटनी। अब मैं चल रही हूँ खाना खाने के लिए दोस्तों। दोस्तों 9:30 बज गया है रात के, अभी चल रही हूँ मैं खाना खाने। ये देखिए मेरा खीर पूरी रखा हुआ है, तो ये चल रही हूँ खाने के लिए दोस्तों। वीडियो कहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसा रहा ज़रूर बताइएगा, और जो देव दिवाली थी हम मंदिर पे जो देव पूजा थी वो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।